भारत रा स्वतंत्रता आंदोलन और देश निर्माण में महत्वजोगी योगदान देवन वाली भगिनी निवेदिता री जयंती माथे राष्ट्र उनने याद कर रियो है। श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति समाज सेवी और बौद्धिक वीरांगना भगिनी निवेदिता मानव मात्र के प्रति भगवान बुद्ध के करुणा के मार्ग पर चलने की दीक्षा 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद ने आयरलैंड में जन्मी और लंदन के चर्च बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी जिस मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को दी थी उसने गुरु द्वारा दिए नाम भगिनी निवेदिता को सार्थक व साकार किया। हिंदू धर्म और समाज सेवा के लिए अर्पित करने वाली मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। वो जन्मतः यूरोप की थी, मिस मार्गरेट नोबल थी, परंतु उसने अपने मानस को संपूर्ण बदलते हुए भारत के साथ अपने आप को एकाकार किया। ईसाई मत के परिवेश में रहते हुए भी उन्हें भारतीय सनातन धर्म संस्कृति और वैदिक मार्ग प्रेरित करता था। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण करने के बाद अंततः भगिनी निवेदिता कलकत्ता में बस गईं और उन्होंने एक बालिका विद्यालय स्थापित कर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। किशोरावस्था में ही शिक्षिका लेखिका और पत्रकार की पदवी अर्जित करने वाली भगिनी निवेदिता ने भारत में अपनी इन सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाते हुए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों भारत की स्वाधीनता और स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी स्वर दिया। विदेश में जन्म कर वहां के संस्कार पाए हुए एक व्यक्ति ने अपने भक्ति बल पर ये किया है तो क्या हम करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में स्वतंत्र देश में अपनी भक्ति इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हम में से प्रत्येक का जीवन भारत के साथ तन्मय हो जाए। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प के साथ नए भारत में नई पीढ़ी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति समाज सेवी बौद्धिक वीरांगना और कर्तव्य के लिए जीवन अर्पित करने वाली भारत माता की अमर पुत्री भगिनी निवेदिता की पावन स्मृतियों पर उनको हार्दिक नमन करती है।